फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निशाज वर्ल्ड। आज मैं आपके सामने पनीर कोरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पनीर के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर, दो मैंने छोटी प्याज ली हैं ग्रेवी तैयार करने के लिए, 25 मैंने काजू लिए हैं, 1/4 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, 4 मैंने हरी इलायची ली है, 1 मोटी इलायची ली है, 2 मैंने लौंग ली है और 10 के करीब मैंने काली मिर्च कॉर्न लिए हैं, 1 मैंने दालचीनी ली है, 2 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और थोड़ा सा हम टेस्ट के लिए शुगर डालेंगे। अब हम पनीर के लिए तैयारी करते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम बटर लिया है। बटर के साथ मैं 1 स्पून ये तेल भी डालूंगी, उसमें मैं तड़का लगाऊंगी तेजपात का पत्ता, दालचीनी और दो हरी मिर्ची और एक लाल मिर्ची, और गार्निश के लिए मैं कसूरी मेथी, थोड़ी सी किशमिश और हरा धनिया करूंगी। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून दही लिए हैं और 1.5 टेबलस्पून मैंने क्रीम ली है, और स्वाद के लिए मैंने नमक लिया है और काली मिर्च मैंने इसके मैरिनेशन के लिए लिया है। चलिए, ये हो गए इंग्रेडिएंट्स, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने पनीर को मैरिनेशन के लिए। सबसे पहले हम इसमें 1/2 काली मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून ही नमक डालेंगे। इसको हम मिला के एक तरफ रख देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा इसमें जो नमक है, मिर्च है, थोड़ा सा जज्ब हो जाएगा और जब हमारा जो पनीर है वो फीका नहीं लगेगा। अब हम इसको अलग रख देते हैं। सबसे पहले हम तैयारी करते हैं इसकी ग्रेवी की। 1 चम्मच हमने तेल डाला है। तेल जैसे ही गर्म होगा, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, सारा गरम मसाला एक साथ डाल देंगे। थोड़ा सा ये पॉपअप होने लगे, इसके बाद हम प्याज डालेंगे। आपने देखा, मैंने यहाँ पर कोई लाल मिर्च, कोई हल्दी, कोई धनिया पाउडर नहीं लिया। मैंने अपने ये जो थोड़े से मसाले हैं उसी में मैंने इस पनीर के कोरमे को बनाने की कोशिश की है। अब मैं प्याज डाल दूंगी इसमें, और मैंने ये प्याज को बहुत ही रफली चॉप कर लिया है क्योंकि ये सब मसाला मेरे को पीसना है। थोड़ा सा ये पक जाए प्याज जब तक हम इसको भूनेंगे। एकदम हमको गुलाबी या लाल होने की प्याज की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैंने अदरक लहसुन, 1/2 टेबलस्पून अदरक लहसुन लिया है, इसको भी हम थोड़ा पकाएंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। इस डिश का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो काजू है, इसी से बहुत टेस्ट आता है, इससे ग्रेवी भी अच्छी बनती है और सब खाना पसंद करते हैं इस डिश को। हमने फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, काजू भी मेरा ऑलमोस्ट पक गया है, फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और इसके ठंडे होने का इंतजार करेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैंने जो ग्रेवी बनाने के लिए भुना था मैंने उसको मिक्सी के जार में पीस लिया है
और ये पीस के ऐसा निकला, और जब मैंने पीसने से पहले उसमें से मोटी इलायची और दालचीनी निकाल दी थी। अब हम पनीर का तड़का रेडी करेंगे। सबसे पहले हम, ये मैंने 50 ग्राम बटर लिया है जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम बटर डालेंगे, और बटर के डालते ही हम 1 टीस्पून तेल डाल देंगे क्योंकि बटर एकदम जल जाता है। अब हम इसका तड़के के लिए, सबसे पहले बटर मेल्ट होने से पहले ही मैं इसमें तेजपत्त का पत्ता डाल दूंगी, 2 हरी मिर्च डाल दूंगी, 1 छोटी दालचीनी डाल दूंगी और 1 लाल मिर्च डाल दूंगी तड़के के लिए। मिर्च और लाल मिर्च और तेजपत्त का पत्ता ये भून रहे हैं और मैं इसके साथ पनीर डाल दूंगी। पनीर को हम इसके साथ थोड़ा भूनेंगे। फ्रेंड जरूर बनाइए घर में, बहुत ही टेस्टी लगता है। और फिर वही बात है कि कम मसालों में हम पनीर कोरमा बना रहे हैं तो बहुत टेस्टी लगता है, आप जरूर ट्राई करें, सबको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी भी बन जाता है। इसको एकदम ब्राउन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा ये गर्म हो जाए बस, उसके बाद ही हम अपना आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। यस, अब हम जो ग्रेवी हमने बनाई थी वो हम सारी इसके अंदर डालेंगे। हमारी ग्रेवी ऑलरेडी हमने भून ली थी तेल में। इसके साथ जो मैंने आपको बताया था 2 टेबलस्पून मैं दही डालूंगी जस्ट फॉर टेस्ट के लिए। इसकी ग्रेवी वाइट ही रहती है इसलिए हम इसमें कोई भी लाल मिर्च वगैरह नहीं डालते हैं किसी भी कलर को चेंज करने के लिए। थोड़ा सा ये भून जाए, आप देख सकते हैं कि अब ये भून रहा है। अब इस समय मैं 1 टीस्पून, 1/4 कह लीजिए, मैं शक्कर डालूंगी जस्ट फॉर टेस्ट के लिए और फिर इसमें स्वाद के लिए नमक डालेंगे। लास्ट में मैं इसमें जो मैंने क्रीम ली थी हम क्रीम डाल देंगे और क्रीम डाल के फ्रेंड्स चलाएंगे जल्दी ताकि हमारी क्रीम फट ना जाए। क्रीम से बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है कोरमा टाइप। यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ली है, कसूरी मेथी को थोड़ा सा हाथ से ऐसे करेंगे और उसको भी डाल देंगे। थोड़ी सी मैंने 5-6 किशमिश लिए हैं वो भी टेस्ट के लिए डालेंगे।
मेरा पनीर कोरमा ऑलमोस्ट रेडी है। मैं गार्निश के लिए इसमें हरा धनिया डालूंगी। अब मैं आपको प्लेटिंग करके बताती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मेरा पनीर कोरमा एकदम रेडी है। आप इसे तंदूरी रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे। मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपको वेजिटेरियन डिश भी बताऊंगी, तो उम्मीद कर पाएगी और आप इसको बनाएं जरूर और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए और वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।